गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर किस तरह से माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा हम प्राप्त करेंगे इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। जी हाँ मित्रों, प्रातःकाल से सायंकाल तक व्यक्ति धन संबंधी योजनाओं को बनाते हुए अपना समय व्यतीत करता है, परंतु इस गुरु पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, करें इन छोटे छोटे से उपायों के माध्यम से। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर पर, परिवार पर, व्यापार पर अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करें। आइए जानते हैं किस तरह से हम माता लक्ष्मी को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रसन्न करें और अपने घर में उनको बुलाएं। जी हाँ मित्रों, यदि आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह से कोई समस्या आ रही है, तो इस छोटे से उपाय को आपको करना है। कच्चे दूध को लेना है और कच्चे दूध को जिस समय चंद्रमा पूर्ण विकसित हो, चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो, छत के ऊपर जाकर के कच्चे दूध से, गाय का दूध हो ज़्यादा अच्छा है, उस दूध से अर्घ देना है आपको। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर के अर्घ दें, अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तलाक जैसे संबंध बन चुके हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, कच्चा दूध, चावल और चीनी इनको मिला करके इससे आप भगवान चंद्रमा को पूर्णिमा की रात्रि में अर्घ दें, यह समस्या भी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपके व्यापार में हो रहा है घाटा, चलते चलते आपके काम बंद हो जा रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, परेशान मत हो, उपाय आपको करना है 11 कौड़ियां लेकर के माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए एक लाल वस्त्र के ऊपर उनको रात्रि के समय रखिएगा। उन कौड़ियों में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा। प्रातःकाल होते ही स्नान करने के बाद में उसी लाल वस्त्र में लपेट करके उन 11 की 11 कौड़ियों को अपने व्यापार स्थान पर, तिजोरी में, जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रखिएगा। गुरु की कृपा प्राप्त होगी, व्यापार में लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। और इसके साथ साथ आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमशे नमः इसका जप भी आपको करना है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं हम पूर्णिमा के दिन यदि आपके जीवन में धन संबंधी, या बहुत से विद्यार्थी होते हैं कहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत प्रयास करता हूँ सफलता नहीं मिलती है, उनको क्या करना है, उनको एक छोटे से इत्र की शीशी लेकर के और उस इत्र की शीशी को किसी माता के मंदिर में जाना है। माता लक्ष्मी के ऊपर जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, उस वस्त्रों पर उस इत्र की शीशी को छोड़ करके चढ़ा करके आना है। प्रार्थना करनी है कि माता, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं ये इत्र आपको अर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ, आप हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करके हमारे जीवन में भी सुगंध प्रदान करें। जिस तरह से यह इत्र सुगंधित है, इसी तरह मेरे जीवन में भी सुगंध का वातावरण हो। मित्रों, इसके साथ साथ हर जातक को अपने घर में कुछ विशेष प्रकार के इन यंत्रों को भी रखना चाहिए, जैसे प्रेम और शुभता प्राप्ति करने के लिए, धन और धान्य प्राप्ति करने के लिए श्री लक्ष्मी यंत्र, श्री कुबेर यंत्र,
व्यापार वृद्धि यंत्र और इसके साथ साथ एकाक्षी नारियल, इसको भी रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को रखना चाहिए। रखने का इनका विधान है कि टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के ऊपर इनको स्थापित करें। दूसरी पूर्णिमा आने पर उन चावलों को नदी तालाब में विसर्जित कर दें और पुनः वहाँ पर दूसरे चावलों को रखना चाहिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। मित्रों, इसके साथ साथ आपको एक बात विशेष मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जितने भी उपाय हैं ये किसी को बता करके नहीं करने हैं। अगर आप बता करके इन उपायों को करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। वैसे माघ पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा जो है इसी को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और इसके साथ साथ अनेक और भी पूर्णिमाएं होती हैं, जैसे शरद पूर्णिमा हो गई, बुद्ध पूर्णिमा हो गई, परंतु इन सभी पूर्णिमाओं से गुरु पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर और एक महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसे सुंदर उपायों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं और पुनः एक सुंदर वीडियो के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।